कि आप में से कौन कौन अपने साथ कम से कम 10-10 आदमी लेके जो है वो उस दिन 13 दिसंबर को लाहौर पहुंचेगा, जितने ज्यादा है वो हाथ खड़ा करे, ज्यादा वो ना करे हाथ खड़ा, बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजर जान के जिसने ज्यादा वो हाथ खड़ा करे। तो ये फैसलाबाद राणा साहब का पेज है, राणा साहब का पेज है, पेज हम अपने इंतजार के पहले बन रहे बाहर, राणा साहब का पेज जो है वो वर्कर्स हेलो करेंगे और जलसे करेंगे। तो एक मजीद जिसे मैं कहता हूँ वो जेलम का डब्बू है, लोग नहीं है, मैं कहता हूं डब्बू साहब आज आके देखो, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद का सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन है और ये खुले मैदान में है। और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा होगा वो फैसला कुल जलसा होगा, उसमें पंजाब पाकिस्तान के आवाम मौजूदा हुक्मरान ना अहल और ना नायक टोले के खिलाफ अपना फैसला देंगे। ये पीडीएम की तहरीक हमने इसलिए शुरू की है कि ये नालायक और नहल टोला जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, टोले ने 2.5 सालों में इस मुल्क का बेड़ा भर कर दिया है, 3 टी हो गए यार। महंगाई का ये आलम है कि कोई चीज जो है वो ऐसी नहीं कि जिसकी कीमत जो है वो 4 से 5 गुना ना बढ़ गई हो। चीनी जो पिछले 5-10 साल से 50-55 रुपए में थी वो आज 100 रुपए है, इसी तरह से अद्वियात जो है उनकी कीमतें 6-6 गुना हो चुकी है और किसी आदमी की इनकम में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ, किसी आदमी की इनकम में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। जो आदमी सड़क पे रेड़ी लगा के खड़ा है वो भी परेशान है और जिसने 10 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है वो भी परेशान है, ना उसका कारोबार चल रहा है ना उसकी दिहाड़ी लग रही है ना उसका कारोबार चल रहा है। इस नाहल टोले ने 2.5 सालों में एक ही काम किया है, सिर्फ इंतकाम, नफरत और तकब्बुर। कोई पॉलिसी नहीं दी, कोई मेगा प्रोजेक्ट आप मुझे बताए कि 2.5 सालों में कोई मोटरवे, कोई मेट्रो, कोई बड़ा मंसूबा ये सरगोधा रोड पे जहां से हम आए हैं वहां पे एक सड़क पे एक छोटी सी पुली जो है वो तकरीबन 1.5 महीने से टूटी हुई है। देखो देखो सारी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आप इमरान यादवी कोई कर लो नोट कर लो, अब हम कभी नहीं छोड़ेंगे।
तुमने इस कौम के साथ फ्रॉड किया, तुमने इस कौम के साथ झूठ बोला, तुमने इस कौम को सबल भाग दिखाए। ये क्या कहता था? ये कहता था मैं जब आऊंगा तो 90 दिन में करके खत्म हो इमरान न्याजी जो है और इसका जो हुक्मरान नाजायक दहर टोला है इसको हर कीमत पे जो है वो इस मुल्क से बढ़ाना है और इस मुल्क में इलेक्शन का इनका करवाना है। नवाज शरीफ का जो बयानिया है, नवाज शरीफ का बयानिया बड़ा सिंपल है। ये प्रभे वादा करते हैं कि वो फलाह के खिलाफ है, फलाह के खिलाफ है, फलाह को बुरा कहा, फलाह को जो है वो ये कहा। मियां नवाज शरीफ ने किसी को ना गाली दी है ना बुरा कहा है। ये मियां नवाज शरीफ का जो है वो वसीयत ही नहीं है। उसने तो इस इमरान न्याजी को जो हर रोज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ घटिया से घटिया गुफ्तगू करता है, उन्होंने तो कभी इसको जो है वो जवाब नहीं दिया, इसका नाम तक नहीं लिया। मियां नवाज शरीफ ने अपने अदालों को इस मुल्क की सरहदों के लिए सरबकफ नौजवानों और अफसरों को और अपने सिपाहियों को उन्होंने अपनी तकरीर में 3 मरतबा हाथ उठा के सलाम पेश किया है। मियां नवाज शरीफ का ये मौकफ है कि ये मुल्क जो है ये आईन और कानून के मुताबिक मौकफ है कि आवाम के वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, आवाम के वोट के फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है ये वोट को इज्जत मिली थी तो बाद में वजूद में आया था। पाकिस्तान जो है ये हमारे आबाओ अजदाद ने एक सियासी जदोजहद के नतीजे में हासिल किया। पाकिस्तान जो है एक सियासी जमात और एक सियासी कायद की जदोजहद के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो वोट को इज्जत दो के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो वोट को इज्जत मिली तो वजूद में आया। और जिन इलाकों से मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीता वो पाकिस्तान ठहरे और जहां से कांग्रेस ने इलेक्शन जीता वो हिंदुस्तान बने। ये है वो मरना जिससे पाकिस्तान वजूद में आया। मियां नवाज शरीफ आज क्या कहता है? वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो वोट की ताकत से वजूद में आया इसे वोट की ताकत से चलाया जाए, इसे बंदूक और ढूंढ की ताकत से ना चलाया जाए। ये तजर्बा 70 साल में आपने किया लेकिन ये नाकाम ठहरा है। और अब हालत ये आ गई है कि अब हम किसी नए तजर्बे को करने के भी जो है वो मरने में नहीं है, इस पोजीशन में भी नहीं है। इसलिए वोट को इज्जत दी जाए, इस वोट में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाए और उसके नतीजे में जो जीते, जो सियासी जमात कामयाब हो वो अवामी मैंडेट के साथ बरसे गुजार आए और वही अवामी मैंडेट जो है उसके जरिए से बरसे गुजार आने वाली जमात जो है वही मुल्क को जो है वो आगे बढ़ा सकती है। ये इमरान न्याजी जिसके मुतल्लक बड़े
कि जमीन जो है वो नवाज शरीफ ने दे दी, पैसे जो है वो लोगों ने दे दिए और हस्ता जो है वो बन गया और यही वो बड़ा कारनामा जो है उसका गिना जाता है। ये पिछले दिनों में ये जितने तक मुल्तान का जलसा हुआ है, आपने यकीनन वो मरियम नवाज साहबा की स्पीच आपने सुनी होगी जो उन्होंने कहा था कि बंदा बड़ा ईमानदार है लेकिन फिर सारी इसकी खराबियां करवाई कर रहा है। ये बंदा इसी तरह का ईमानदार है जिस तरह से मरियम नवाज ने जो है इसका उसने पूरा खुलासा किया और ये वैसे बंदा बड़े कमाल का है। सिर्फ फजूल गुफ्तगू जो है वो कभी कभी करता है लेकिन ये फजूल गुफ्तगू उस वक्त करता है जब इसने चर्च भी होती और ये चर्च रोज नहीं पीता, चर्च सिर्फ उस दिन पीता है जिस दिन हीरो ना मिले और ये हीरो सिर्फ उस दिन पीता है जिस दिन से कोकीन ना मिले, वरना ये हीरो भी जो अक्सर देखी हीरो जो है वो सिर्फ अपने मफालतों के ऊपर डालता है, पीता खुद है और कोकीन सिर्फ उस दिन पीता है ये जिस दिन कोई एटीएम जो है इसे कोकीन मुफ्त ला के दे क्योंकि पैसे नहीं खर्च करता है, सारी एटीएम जो है उन्हीं के ऊपर इसका खर्चा चलता है, घर का खर्चा भी उसी के ऊपर चलता है, दौड़ों का खर्चा भी उसी के ऊपर चलता है और बाकी भी हर चीज का खर्चा भी उसी के ऊपर चलता है और जो एटीएम जो है वो फिर बाद में लूट मार करती है, वो फिर आटा डकैती करती है, वो फिर चीनी डकैती करती है 250 अरब की, वो फिर पेट्रोल डकैती से कमाती है 250-300 अरब, वो फिर अद्वियात डकैती से कमाती है 400-500 अरब, वो फिर सैकड़ों अरब में ही कमाती है, वो फिर कोई जो है वो छोटा मोटा डाका नहीं डालती और वो एटीएम जो है वो फिर इस तरह से जो है वो लूट मार करती है। एक लेसन हुआ है यहाँ पे कि पिछले साल में लोगों ने जितना आटा खरीदा, जितनी चीनी खरीदी, जितनी गैस खर्च की, जितनी बिजली खर्च की, जितनी अद्वियात अपने माँ बाप के लिए दी, उनके मुकाबले में इस साल ये सारी चीजें खर्च उतनी ही की लेकिन 2500 अरब रुपए जो उन लोगों ने ज्यादा दिया। इतनी महंगाई हो चुकी है इन चीजों में, ये सिर्फ 5-6 चीजों में और ये हाल है इसका कि मास्वाय अपने मुखालफों के खिलाफ झूठे मुकदमे और रेफरेंस बनाने के, ऐसे इकबाल साहब के खिलाफ रेफरेंस बनाया कि उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों बनाया, लोगों को जो है वो खेलने के लिए जगह क्यों मुहैया की है। शहाद खान कान अब्बासी साहब ने कहा है कि मेरा ओपन ट्रायल करो, लोगों के सामने करो, मीडिया के सामने करो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है तो इसको मार सुनाए इस बात के कि अपने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात बनाए, उनके खिलाफ जो है वो घटिया बकवास करे, घटिया तनकीद करे। ये आदमी इंसानियत से आ रही है, ये मियां नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल के मौके पे जो इसने जिस सफाकी का, जिस इंसानियत सोच रवैये का जो है वो इसने इजहार किया है, उसके बाद ही हमने ये कहा है कि तुम तो 2.5 साल से कहते आ रहे हो कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आप तुम दौड़ोगे। फैसलाबाद के वर्कर भाइयों, अहदेदारान साहबान, आपने आज ये तहिया कदम करके यहां से जाना है कि आपने भरपूर तरीके से तैयारी करनी है और हर सुबाई हलका जो है वो अपना जुलूस लेके चलेगा और जिला जो है वो एक मकाम के ऊपर बैठा होगा और वहां से एक जुलूस की शक्ल में जो है वो लाहौर की तरफ आपने जाना है। ये चोरी छुपे से जाने वाली बात नहीं है, अब जाएंगे तो अपने जोर के साथ जाएंगे, हमें ये रोकेंगे जहां पर रोकेंगे वहीं पे रखेंगे।
वो लाहौर का जागरो करना है और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपसे जब मुलाकात होगी, आप मेरे बड़े भाई और हमारे सीनियर नायब सदर जहाज खाकान अब्बासी साहब जो है वो आपसे बात करेंगे। तमाम अहबाब ने बात सुननी भी है और उसके ऊपर अमल भी करना है। Oh, no!